कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो फिल्म बनाया था, उसमें समस्या यह थी कि हेतु टोला के रहने वाले सुगीता कुमारी, फुलेश्वरी टुट्टी एवं अन्य कई मजदूरों को कई सालों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। ये लोग खूंटी जिले के एक फूल बगान जयंत जयपाल सिंह के बगान में काम करते थे, मगर इन्हें कभी भी उचित समय पर मजदूरी नहीं मिला। समस्या का कारण जयंत जयपाल सिंह जी की लापरवाही है। मैंने सुगीता कुमारी एवं उसके साथ काम करने वाले अन्य मजदूरों को खूंटी जिला के श्रम अधीक्षक के यहाँ ले गया। उन्होंने आवेदन पत्र में अपनी समस्याओं को लिखा और श्रम विभाग के अधिकारी के यहाँ जमा किया। तो और कितना बकाया रहे? मोर पैसा 15,260 रुपया है रे। तो काम करल कर कितना दिन के बाद मिल गेल पैसा? तक नहीं तो 3 साल करीब होत रहे। तोरे पैसा पावे के लिए का का प्रयास कर रहा? लेबर ऑफिस जाए रही, वहाँ शिकायत कर रही कि पेमेंट नहीं होते कहीं। ओकर बाद फोन करा करी है रही सेक्रेटरी से, वो आला खा रहा हमारे पास पेमेंट कर ला सब जमा होली। पहले हमने से साहेब मना लाए, पहले ग्रीन हाउस से ठीक बोला लाए हमारे सबके, तो जब मैडम साहेब दोनों आ लाए ओकर बाद हमारे के पैसा पेमेंट कर लें। कितना जन के पेमेंट कर लगते हो रहे? 13 जन के पेमेंट कर रहे से दिन। आवेदन जमा करने के कुछ महीनों के बाद जयंत जयपाल सिंह जी आए, जो कि फार्म के मालिक थे, और सभी मजदूरों को फोन करके बुलाया एवं उनको उनकी बकाया मजदूरी दे दी। तोहरे के पैसा मिल लग तो तोहरे का कर ला? हमारे जब पहले ले रही उधरा पैंचा से मन के आपस कर ली, और हमारे डहर रास्ता में चलत रही तो मन टकत रहे तो पैसा नहीं रहते रहे तो हमारे खराब बुझात रहे, तो अखन दे दिली तो कटिक हमारे का अच्छा बुझात है कि पहले जैसा टकत रहे ऐसा नहीं टकत है। लेबर ऑफिसर के हमारे के बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे कर मदद करलक, तो हमारे कर पैसा बाकी रहे सब वापस अलग। मैं खूंटी जिला के श्रम विभाग के अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से सुगीता कुमारी एवं उनके साथ काम करने वाले अन्य 16 मजदूरों को कई महीनों से नहीं मिलने वाला मजदूरी उन्हें मिल पाया और उनके ज़िंदगी में बदलाव आया। मैं अमित टोपनो, खूंटी जिला से, इंडिया नाट के लिए।